मैं कविता मालपानी, अमरावती फिल्म एकेडमी द मीडिया मैट्रिक्स की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रही हूँ वो है भारतीय सिनेमा के दिग्गज, जिनकी आवाज़ और अदाकारी ने भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में एक नई पहचान दी। वो है हमारे बीच श्री ओम पुरी, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी श्री चंद्र प्रकाश दुबे। तो चलिए मिलते हैं हम आज ओम पुरी जी से और करते हैं उनसे कुछ दिल की बातें। ओम जी, आप अपने आप में अभिनय की एक विशिष्ट शैली, अपनी आपकी आवाज़ एक विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। आज आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हैं, तो यहाँ एक तो आपके आगमन का प्रयोजन आप बताएं कि आज आप यहाँ के छात्रों को आपका जो सानिध्य मिल रहा है यहाँ आने का प्रयोजन आपका। यहाँ एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उन्होंने किया है और साथ ही साथ एक सत्यजीत रे अवार्ड की घोषणा की, और ये पहला है सत्यजीत रे अवार्ड जिसके लिए उन्होंने मुझे चुना है। इसके लिए आपका काफ़ी अभिनंदन मीडिया मैट्रिक्स की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ हुआ है और कल ही वो अवार्ड भी दिया गया और उसके अलावा एक यहाँ जो गांधी आश्रम है सेवाग्राम, उसमें एक छोटी सी फिल्म बनाई जा रही है और वो भी आज ही हमने खत्म की है। वो हमने 27 से उसकी शूटिंग शुरू की थी, 27-28 और आज का दिन, तो वो लगभग 30 से 35 मिनट की फिल्म होगी। ओम जी, अभिनय की जिस धारा से आप बिलोंग करते हैं, आपने हमेशा लीक से हटके सिनेमा किया और सत्यजीत राय ये अपने आप में एक अभिनय के अलग स्कूल थे, मैं समझता हूँ आप उसी धारा के छात्र रहे। पहला सत्यजीत राय पुरस्कार आपको मिल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? पुरस्कार तो आपको ढेरों मिले हैं आज तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही कह सकता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है। अपने अभिनय संघर्ष, अभिनय में आपका आना, अभिनय के शुरुआती दिन, इस पर दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है, मैंने अपनी शिक्षा जो है वो पंजाब में पटियाला में ली और स्कूल में भी नाटक में भाग लिया और फिर कॉलेज में भी नाटक में भाग ले रहा था। तो उस दौरान मेरी मुलाकात जो है वो वहाँ एक थिएटर ग्रुप था जो पंजाब कला मंच के नाम से जाना जाता है, तो उसके जो मुख्य थे वो थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो उनके साथ 2 साल काम करते हुए जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी शाम को मैं उनके साथ जुड़ जाता था और कई हमने नाटक किए जो सामाजिक प्रेरणा देते थे। तो उनसे मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, 3 साल वहाँ अध्ययन किया और उसके 1 साल बाद फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया और 2 साल मैंने वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद 76 में बॉम्बे चला गया। ओम जी, एक सवाल आपने कई बार सुना होगा, ये कई बार रिपीट होता है, लेकिन विदर्भ की जनता पहली बार आपको हमारे माध्यम से रूबरू देखेगी। फिल्म इंडस्ट्री यानी एक ग्लैमर वर्ल्ड, जगमगाते कैमरे, चमचमाती लाइट्स और उसके साथ में एक चिकना चॉकलेटी चेहरा, उसमें एक दिन एक ओम पुरी जी आते हैं और अपने अभिनय का वो लोहा मनवाते हैं कि दुनिया कायल हो जाती है। कई चिकने चॉकलेटी चेहरे हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा पाते, आपने हॉलीवुड तक में अपना लोहा मनवाया। अपने अभिनय के सफ़र को लेके आप फिलहाल जहाँ पर खड़े हैं, जब पीछे पलट के देखते हैं किस मुकाम पे पाते हैं सबको? मैं खुश हूँ अपने सफ़र से जी, और मैंने उसके लिए कड़ी मेहनत की है और मुझे गर्व है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया जी। आज जिस तरह से सिनेमा बदल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, मौजूदा परिवेश में भारतीय सिनेमा को कहाँ पाते हैं? भारतीय सिनेमा ने बहुत तरक्की की है तकनीकी तौर पे जी, कैमरा में, एडिटिंग में,
मतलब तकनीकी तौर पे बहुत तरक्की की है, लेकिन कथानक के रूप में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और अभी भी दो तरह के सिनेमा हैं, एक तो टिपिकल कमर्शियल सिनेमा है जो बिल्कुल नाच गाने वाले हैं जी, और कुछ बीच का रास्ता चुना है कुछ लोगों ने, 10-12 फिल्म मेकर्स हैं बॉम्बे में जी, जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हार्ड हिटिंग सिनेमा नहीं है वो जी। और साथ ही साथ ये भी है कि वो सिर्फ शहरों के बारे में फिल्म है, देहात के बारे में कोई फिल्म नहीं बना रहा। मैं अभी वहीं आ रहा था कि आक्रोश और अर्धसत्य का आक्रोशित युवा, और बाद में फिर एक एंग्री यंग मैन का ज़माना आया। अब जो दौर चल रहा है ये, इसे हम वेलवेट सिनेमा जो कहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि एक बार वापस उस धारा की ओर सिनेमा ने लौटना चाहिए? हमारे कहने से क्या होता, ये तो जो सिनेमा बनाते हैं उनको गौर करना चाहिए। और आजकल जो भी सिनेमा बन रहा है वो व्यापारी लोगों के हाथ में, और व्यापार का मतलब होता है धन से धन कमाना जी। तो वो चल रहा है, उसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ ना सरकार बदल सकती है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं जी। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, भैया तू साबुन क्यों बेच रहा है, तू तेल क्यों बेच रहा है। सही है। कभी आप अर्धसत्य, आक्रोश, तमस, इसकी पहचान ओमपुरी युवा करते थे? गांधी फिल्म का एक आक्रोशित युवा भले छोटे शॉट में था, लेकिन ओमपुरी एक पहचान थी। बीच में हेरा फेरी और फिल्म मेरे बाप, पहले आप जैसी एकदम हास्यनुमा फिल्मों में आप गए, वो मतलब वो ओमपुरी और इस ओमपुरी में क्या फ़र्क पाते हैं सर? मेरे में कोई फ़र्क नहीं, ओमपुरी में कोई फ़र्क नहीं जी, उन किरदारों में फ़र्क था जी। हाँ, मेरे मानसिक तौर पे मतलब मैं एज अ दर्शक मैं भी थोड़ा सा अचंभित था कि इतने कॉमेडी रोल, मैंने आपको पहली बार इतने कॉमेडी रोल में देखा था जी। जी नहीं तो असली अभिनेता तो वही है जो तरह तरह के रोल कर सके जी। तो आपने हॉलीवुड भी किया है, तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में आपको क्या फ़र्क लग रहा है? हॉलीवुड हमसे थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल है, तकनीक के हिसाब से भी, कथानक के हिसाब से भी, वो हमसे फिलहाल तो आगे है। कथानक के हिसाब से जी। ओम जी, बीच में आप थोड़ा कुछ राजनीतिक मंचों से जुड़ गए थे, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो चल रहा है, देश में जो बदलाव की लहर है, अचानक पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। हाँ, जुड़ा हुआ तो मैं बहुत पहले से हूँ राजनीति से जी, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था मैं रामलीला मैदान में जी। और जो मैंने कहा था उसमें मैंने कोई ऐसी कोई बुरी चीज़ तो नहीं कही जी। देखिए, हम सबको पता है कि पार्लियामेंट में मिर्ची भी फेंकी गई एक दूसरे की आंखों में, और शोर शराबा भी करते हैं, एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, और लखनऊ में कुर्सियां फेंकी गई थी एक दूसरे पे, माइक उखाड़ के फेंके गए थे, बेंगलोर में हाथापाई हुई थी, वहां अंदर पुलिस बुलानी पड़ी थी। तो ये व्यवहार को आप क्या कहोगे? मैंने उसको थोड़े कड़े शब्दों में कह दिया जी, लेकिन आप अच्छी भाषा में बोलोगे। मैं अच्छी भाषा का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता ऐसे ऐसे काम के लिए। आपको तो आप क्या क्या कहेंगे ऐसे व्यवहार को, क्या कहेंगे जो देश को चलाने वाले शासक वो इस तरह की हरकतें करते हैं? तो उसको मैं लोगों से पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे, और मैं आपको बताता हूँ लोग गाली देंगे। मैंने तो फिर भी थोड़ा संयम बरता था, लोग ऐसी ऐसी गाली देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। बिल्कुल सही। आपका तो क्या आपको लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कुछ आशा जगी है? आशा डेफिनेटली जगी है, और वो बहुत कार्यशील व्यक्ति है, और मैंने अभी उनके भाषण भी सुने अमेरिका में, और 15 अगस्त को भी मैंने उनको सुना। एक तो वो बिना पढ़े बोले, वो बड़ा अच्छा लगा, और खुल के बोले, अच्छी बातें की उन्होंने। तो अभी उनको बहुत कम समय हुआ है बागडोर संभाले देश की, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, देखना चाहिए, एक साल उनको देना चाहिए कि वो एक साल में कितना कर पाते हैं। मुझे लगता है वो ईमानदार हैं, और
निगाह रखने वाले हैं, थोड़े सख्त भी हैं जिसकी ज़रूरत है। और मतलब वो देश को आगे बढ़ाने के लिए हर चेष्टा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन उन आम आदमी तभी उनसे प्रभावित होगा जब उसका जीवन थोड़ा सा सुखी हो जाएगा। बीच में ओम जी, अन्ना जी के आंदोलन ने एक हिंदुस्तान की राजनीतिक आबोहवा को पूरी तरह से बदलने का काम किया था, और वर्तमान में अन्ना जी राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य से पूरी तरह गायब हो गए। तो मौजूदा समय में कितनी प्रासंगिकता आपको लगती है कि अन्ना हजारे सार्वजनिक मंच पर फिर दिखाई? नहीं, अब बेचारे बुजुर्ग हैं, अब वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, और उनके आंदोलन से जो लोग आगे निकले फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाए कहीं। हाँ, वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनकी बेवकूफ़ी थी जी। क्यों छोड़कर भागे वो दिल्ली जी, चलाते दिल्ली को, उनको एक ऐसा अवसर मिला था जी, क्यों भागे वो? आप एक चीफ मिनिस्टर के पद पे पहुंच गए हो जी, तो ये तमाशे करने की जरूरत नहीं है कि साहब मैं चीफ मिनिस्टर भवन में नहीं रहूँगा, मेरा जो फ्लैट है उसी में रहूँगा। अरे कैसे रहोगे, ये प्रैक्टिकल है क्या? कितने बड़े बड़े लोग आएंगे आपसे मिलने, आपकी बिल्डिंग वालों का क्या हाल होगा, आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा? तो ये जो है ना, देश को प्रभावित करने की गलत तरीके से, ये बचपना है ये जी। और आज दिल्ली लावारिस लगभग पड़ी है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगी, नहीं तो राष्ट्रपति शासन है तो लावारिस कैसे होगी? लेकिन सरकार वहाँ नहीं है, जो तो सरकार नहीं, राष्ट्रपति तो है ना, काम तो चल रहा है ना, तो दैनिक जो काम है वो तो प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओम जी, दुनिया आपको अभिनय का एक चलता फिरता स्कूल मानती है, एक उत्कृष्ट अभिनेता मानती है, ओमपुरी की नज़र में आपका आदर्श कौन? क्योंकि आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है गोविंद नीलानी जी के साथ में, श्याम बेनेगल जी के साथ में, जिन्हें मील का पत्थर हम कह सकते हैं, सिनेमा का, विश्व सिनेमा का मील का पत्थर कह रहा है। आप उस डगर से होते हुए हैं जहाँ पर विश्व सिनेमा के मील के पत्थर हैं, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? अभी इस उम्र में क्या आदर्श मानूंगा सिवाय अपने अच्छा मैं ही अपना आदर्श खुद, क्या बात, मुझे ही अपने अंदर जितनी मेरी क्षमता है उसे और बाहर निकालना, क्योंकि 65 साल की उम्र में कोई किसी मतलब मैं कहूँ जी वो एक्टर मुझसे ज़्यादा महान है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे जी। मुझे मुझ में और जितनी भी क्षमता है उसका हर बूंद मुझे निकालना है बस। अभी लगता है कि अभी बहुत कुछ ओमपुरी शेष है अभिनय के तौर पे बाहर आने के लिए। हो सकता है अगर अवसर मिलेगा तो हम बहुत उम्मीद करेंगे कि हमें वो जो शेष ओमपुरी और हैं, जितना हमने देखा है ओमपुरी को, हम अभी तृप्त नहीं हुए। मैं भी तृप्त नहीं हूँ, मेरे सहयोगी कविता जी भी तृप्त नहीं है, मैं समझता हूँ हमारे दर्शक भी तृप्त नहीं होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हमें वो शेष ओमपुरी भी और देखने मिले। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपकी सेहत अच्छी रखे, और आप हमें ऐसे ही